हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए बैजनाथ बजाज पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पल्सर 125 BS6 मॉडल का जो फाइनेंस स्कीम क्या रहने वाला है, और 0% इंटरेस्ट वाला जो स्कीम है मैं वो भी इसमें आपको बताने वाला हूँ, और जो नॉर्मल इंटरेस्ट स्कीम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, और मिनिमम डाउन पेमेंट आपको क्या करना होगा, और मंथली EMI आपका क्या बनेगा। तो मैं फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एक जरा भी स्किप ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं सारी बाइक अपडेट्स इस अपने चैनल पर देता हूं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अब आपको हम काउंटर पे चलते हैं और आगे फुल डिटेल्स बताते हैं इस बाइक का, पल्सर 125 BS6 मॉडल का, क्योंकि इसका भी मतलब काफी डिमांड्स आ रहा था स्कीम के बारे में। तो चलिए मैं आपको बेस्ट स्कीम बताता हूं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास दो स्कीम्स यहां पर अवेलेबल है। ये है नॉर्मल स्कीम, जो कि जिसमें कि आपका इंटरेस्ट रेट 10.40% से स्टार्ट है, और ये है 0% वाला स्कीम। तो पहले मैं आपको ये स्कीम बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक का ऑन रोड प्राइस का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो आपका यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑन रोड प्राइस इसका 84,090 रुपीज है। ये गिरिडीह का प्राइस है, मेरे एरिया का प्राइस ये है, आपके एरिया में ये प्राइस डिफर कर सकता है। तो इसमें 84,090 रुपीज इसका ऑन रोड प्राइस है। तो पहला जो स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ वो रहने वाला है आपका ये बजाज फाइनेंस का स्कीम है। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 मंथ्स का जो स्कीम है। तो इसमें जो आपको यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, डाउन पेमेंट आपको इसमें 25% करना होगा बाइक का, जो कि डाउन पेमेंट 25,300 रुपीज अप्रोक्स में आपका आएगा, और जो लोन अमाउंट आपका आएगा वो 62,000 का आपको लोन अमाउंट आएगा। तो इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो होगा 10.40% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो बात करते हैं मंथली EMI का, तो मंथली EMI आपका 3,121 रुपीज का आपका बनेगा, मतलब 2,121 रुपया का आपका 24 महीना का EMI बनेगा इसमें। तो ये हो गया पहला स्कीम, ये 24 मंथ्स का था। अब बात करते हैं दूसरा स्कीम का, तो जिसमें कि आपको 36 मंथ्स का आपको फाइनेंस देखने को मिलेगा, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा वो होगा 11.15% का आपको इंटरेस्ट रेट इसमें देखने को मिलेगा, तो जिसमें कि आपको 36 मंथ का फाइनेंस हो जाएगा। तो इसका डाउन पेमेंट आपका सेम रहेगा यही, तो इसमें आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपका बन जाएगा वो 2,299 रुपीज का बनेगा 36 मंथ्स का। ये हो गया सेकंड वाला, इसका भी सेम स्कीम रहेगा, बस इसमें आपका मंथ्स बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कम, जो कि है 12 मंथ्स का। तो इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम रहेगा, जो कि है 8.95%, और डाउन पेमेंट आपका सेम रहेगा, ये 25,300 रुपीज आपका डाउन पेमेंट रहेगा, और इसका जो आपका मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 5,630 रुपीज 12 मंथ्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाउन पेमेंट अगर आप ज्यादा करते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट आपका कम भी हो सकता है। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये दूसरा स्कीम मैं आपको बताने वाला हूं। तो दूसरा स्कीम जो है ये 0% फाइनेंस वाला स्कीम है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें आपका जो डाउन पेमेंट है वो ज्यादा है, 53,076 रुपीज का आपका डाउन पेमेंट है, जिसमें कि आपका जो है डाउन पेमेंट ज्यादा है, बट इसमें आपको फाइनेंस जो है वो 12 मंथ्स के लिए ही मिलेगा, क्योंकि ये 0% इंटरेस्ट रेट आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया है इन्होंने, कंपनी वालों ने। तो अब हम बात करते हैं इसका जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपका बनेगा वो EMI आपका 3,000 के अप्रोक्स में बनेगा 12 मंथ्स के लिए। तो ये आपका इंटरेस्ट इसमें आपका 0% लगेगा, इसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होता है, उसके लिए आपको शोरूम पर कॉन्टेक्ट करना होगा जाकर। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो अगर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसा कि इन्होंने बताया कि मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आपका जैसे कि यहां देख सकते हैं, तो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे इस स्कीम का बात करते हैं, तो अगर 4,000 से ज्यादा जाता है तो इसमें आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर 4,000 से कम अगर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट रहता है तो कम डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा उसका बात करते हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है जो आपका मतलब अगर आप ITR ये सब फाइल करते हैं तो आपको ITR देना होगा, और आपको दो चेक देना होगा। अगर आपके पास चेक नहीं है तो आपका यहाँ पे शोरूम पर एक ECS फॉर्म दिया जाएगा, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। और तीसरा आपको मतलब पांचवा जो आपको देना होगा वो दो फोटोग्राफ्स आपको देना होगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, और एक्स्ट्रा अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपको शोरूम पर जाकर पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था फाइनेंस स्कीम पल्सर 125 BS6 मॉडल का। मैंने इसमें ऑन रोड प्राइस भी बताया है, और इसमें मैंने आपका सारा जो भी मतलब स्कीम्स था वो मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट आपको किस बाइक का फाइनेंस स्कीम जानना है वो आप मुझे बता दे, तो मैं एक आपको अप्रोक्स में आइडिया दे दूंगा। ये जो मैंने जितना भी डिटेल्स आपको दिया है ये अप्रोक्स में है मेरे एरिया का, आप अपने एरिया में जाके अपने शोरूम पर पता कर सकते हैं। तो ये रफ में आपको आइडिया बस पता लग गया कि आपको कितना डाउन पेमेंट करने से आपका कितना EMI बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दें, और हम वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।